मुझे हाँ बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिए, आप बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिए ना। मैं क्यों ज्वाइन करूँ बीजेपी में सर? आज मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। आपको आप पहले होमवर्क करके मुझसे सवाल पूछिए ना। ब्रू रिपेट्रिएशन के लिए आज 12 बजे पूरा ब्रू लीडर्स लोग आए हैं, होम मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी और हमारा मीटिंग है सेक्रेटेरिएट में। उस विषय में मैं मिलने आया हूँ। कुछ अपील किया है ब्रू लोगों ने, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनको, स्पेशली कोरोना के टाइम, और ये ब्रू रिपेट्रिएशन 6 महीने से डिले है। इस विषय में मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया हूँ। अभी इसके बाद मैं स्टेट सेक्रेटेरिएट जा रहा हूँ, वहाँ में चीफ सेक्रेटरी, ब्रू लीडर्स, मैं और होम सेक्रेटरी का बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग। बातचीत किया था जो वही तो अभी मैंने बता दिया। सोल्यूशन क्या लगता है सर, जल्दी इसका सोल्यूशन होगा सर? सोल्यूशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट अगर का कोई बात नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कोरोना हुआ है, इसके लिए 6 महीने से डिले हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी बिहार में इलेक्शन हो गया है तो मतलब कि वातावरण थोड़ा इम्प्रूव हुआ है इंडिया में। तो आप ये ब्रू का सेटलमेंट को जल्द से जल्द कीजिए। कब तक, 23 साल से वो लोग रिलीफ कैंप पर रह रहे हैं, कब तक रहेंगे? इसके लिए मैंने आज हमारा मीटिंग है, और ये कोरोना के बाद फर्स्ट प्रॉपर मीटिंग है फेस टू फेस। इसके लिए हमने, इसके पहले गवर्नर से हम मिले थे, आज फिर से यहाँ में मिले हैं। अब इसके बाद सेक्रेटेरिएट में बात होगा, और हम कुछ आशा करते हैं कि कुछ समथिंग कॉन्क्रीट निकले। थैंक यू। और एक बात, आप लोग ये बात ये प्लीज़ हटा दीजिए कि हाँ मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ या कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर।